मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 इंडिया, मैं हूँ कृतिका आपके साथ, और आइए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी को दक्षिण कोरिया में मिला सियोल शांति पुरस्कार, कहा ये सम्मान भारतीयों को समर्पित। असम में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। प्रियंका गांधी और सिंधिया की लंबी बैठक में यूपी की 25 सीटें पर कैबिनेट तय। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी सहित 12 संदिग्ध गिरफ्तार। पुतिन ने दी ट्रंप को धमकी, क्यूबा में तैनात कर देंगे मिसाइल। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे बड़ा तोहफा, कहा कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए में होंगी बढ़ोतरी। 7वीं चीन अमेरिका आर्थिक व व्यापारिक उच्च स्तरीय वार्ता वॉशिंगटन में उद्घाटित। मुशर्रफ ने माना पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ, लेकिन पाकिस्तान निर्दोष। पाकिस्तान को बड़ा झटका, आतंकवाद के मुद्दे पर यूएनएससी में चीन ने दिया भारत का साथ। सीमा पर तनाव, पाकिस्तान सेना ने 23 की गोलाबारी, बॉर्डर के 50 गांव भी कराए खाली। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में।